हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज संजोत चावरे, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रेस्ड है, कोई ना कोई चीज़ से स्ट्रेस्ड है। सो स्ट्रेस ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर कोई फेस कर रहा है। सो यस, इन टुडेज वीडियो आई विल बी टेलिंग सम टिप्स टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस, एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है जो मैं आपको स्ट्रेस के ऊपर यह ज्ञान बता रही हूँ। ये सिर्फ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर मैं स्ट्रेस से कैसे बाहर निकली हूँ ये बताने के कुछ तरीके, कुछ सिंपल तरीके जिससे आप स्ट्रेस से आसानी से बाहर आ सकते हो। फॉर दैट दिस इज़ वीडियो। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस। So let's start from a very first point, and which is a very important point, that is develop a positive attitude towards anything. अभी मैं positive attitude का आपको एक simple सा example देती हूँ। आपको कैसे type के लोग ज़िंदगी में मिलेंगे? आपने बहुत सारे मोटू लोग देखे रहेंगे आज तक, तो उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं? यार तू कितना मोटा है, तेरा वेट कितना बढ़ गया है, साला तू कितना फूकता जा रहा है, ऐसे वैसे बोलते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। तो आपको दो टाइप्स के लोग मिलेंगे, ओके? एक टाइप के लोग जो बोलेंगे, हाँ यार मैं कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया हूँ, यार मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, अब मेरा क्या होगा, क्या मेरे को कोई लड़की मिलेगी, क्या मैं किसी को अच्छा लगूँगा, यार मुझे बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मुझे डाइटिंग भी करना पड़ेगा। ये हुआ नेगेटिव एटीट्यूड। और आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे। वो कैसे? तो कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, ठीक है ना यार, मोटा हूँ तो क्या हुआ, खाते पीते घट का हूँ, बहुत खाता हूँ, खुश रहता हूँ, मज़े में रहता हूँ, एंड मोटू इज़ अ न्यू क्यूट। सो दिस इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। सो इट्स अप टू यू कि आपको नेगेटिवली सोचना है या पॉजिटिवली। लोग तो बोलते रहेंगे, जस्ट डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एनीथिंग एंड देन यू विल फील रिलैक्स्ड। नाउ योर पॉइंट नंबर टू इज लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होते हैं? रिलैक्सेशन टेक्निक्स मीन्स लर्न मेडिटेशन, मेडिटेशन करना सीखो, देन लर्न योगा, different different types of yoga आप सीख सकते हो, then it's exercise, yes, ये तीन चीज़ें ऐसी है जो ना कि आपको सिर्फ stress से दूर करेंगी but कि आपको proper help भी देगी। so I will suggest to do all these things to be stressless। now your third point is spend your time on your hobbies and your interest। आजकल बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा busy हो गए, ओनली ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, मोबाइल्स, इस सब में आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट्स, आपको कौन सी चीज़ पसंद है ये सब भूल ही रहे हो यार, कोई अपने हॉबी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आई विल सजेस्ट कि आपका टाइम इन्वेस्ट करो आपकी हॉबीज़ में या आपके इंटरेस्ट में। आई विल से डोंट लेट योर हॉबी डाई, उसे ज़िंदा रखो, तभी आप फ्रेश फील करोगे और आपका स्ट्रेस यू ख़त्म हो जाए। Now coming towards fourth point, which indeed मेरे ख्याल से not only stress management के लिए but बहुत ज़्यादा important है। आजकल लोगों को बहुत सारी चीज़ों का stress है, किसी को पैसों का stress है, किसी को अपने job का stress है, किसी को शादी को लेके stress है, कोई family को लेके stressed out है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। but द सैडेस्ट थिंग इज, इस स्ट्रेस को भूलने के लिए लोग अल्कोहल, ड्रग्स, सिगारेट्स, इस सब चीज़ों का यूज करते हैं, एंड दिस इज टू बैड। ये सब चीज़ें आपका स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कम करेंगी, नॉट फॉर फॉरएवर, और इससे आपके ही हेल्थ के साथ खेल रहे हो। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स, एंड जो मैंने अभी बताया वो चीज़ें करो रादर देन स्पॉइलिंग योर लाइफ यूजिंग अल्कोहल। नाउ लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लर्न टू स्टे हैप्पी, लर्न टू एन्जॉय योर लाइफ एंड लर्न टू स्माइल। यस, जब भी आप हंसते खेलते मुस्कुराते रहोगे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आपके ज़िंदगी में नहीं आएगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। तो आई होप आप ये सब पॉइंट्स फॉलो करोगे
और आप कभी भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो ना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।